हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हमारी यूनिट 3 चल रही है और इसमें जो बच्चों हमारा चैप्टर है वो चल रहा है गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, ये गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में आज के जो हमारे प्रश्न है बेटा वो इस प्रकार है। लॉरेंट्ज़ बल है बेटा, लॉरेंट्ज़ बल के ऊपर बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है वेग फिल्टर, जिसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं बेटा। उसके बाद में बोर्ड के कुछ सवाल, तो बच्चों मैं आपको बोर्ड के कुछ सवाल करवाऊंगा और बच्चों ये वाला जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा यूनिट 3 का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एक करके हम इन टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉरेंट्ज़ बल है क्या बेटा। बच्चों, ऐसी जगह पर जहाँ पे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, दोनों ही स्थित हो और उनके बीच में बच्चों कोई आवेश गति करता है, यानी कोई गति करने वाला आवेश हो, तो बच्चों उस पर जो कुल बल लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र की वजह से बच्चों और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, चुंबकीय वजह से जो कुल बल लगता है बच्चों, उसे लॉरेंट्ज़ बल का नाम दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे कैसे कर सकते हैं बच्चों, माना कि हमारे पास बच्चों ये क्यू आवेश है, ठीक है बेटा, और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए बच्चों धन आवेश मान लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों को ये किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है, मानो कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है ये ई, और इसमें बच्चों ये क्यू आवेश गति कर रहा है, ठीक है बेटा, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी भी। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लगता है वो हम जानते हैं, ये एफ ई बराबर क्यू इन टू ई, क्योंकि दोनों ही सदिश राशि है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों जो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल होगा वो क्यू इन टू होगा, और बच्चों इस बल की दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा, बल की दिशा बच्चों, बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की है, तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, ठीक है बेटा। तो बच्चों अब ये वाली बात तो क्लियर हुई, लेकिन अच्छा बच्चों कहीं ना कहीं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी स्थित है, तो अगर कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र भी है इसी जगह पर, या यही मान लेता हूं इस प्रकार कि यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर है बच्चों तो वो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो जो चुंबकीय बल लगाएगा वो क्या होता है बच्चों, एफ बी बराबर बी क्यू वी साइन थीटा, इस प्रकार देख सकते हैं बेटा। अब बच्चों इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा से देर से, तो जो टोटल बल होगा बच्चों, टोटल बल यानी हम कुल कह सकते हैं लॉरेंट्ज़ बल, जिसे हम लॉरेंट्ज़ बल कहते हैं बेटा, लॉरेंट्ज़ बल, तो लॉरेंट्ज़ बल बच्चों होगा जो विद्युत क्षेत्र की वजह से बल है बच्चों, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल है बच्चों एफ बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, क्यू इन टू बी प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है बेटा। लेकिन बच्चों हम इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे Q और ये आ जाएगा बेटा V क्रॉस B, इस प्रकार, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों अगर हम दोबारा से बात करें, इसमें Q अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा E प्लस और ये हो जाएगा बच्चों V क्रॉस B। तो बच्चों इसे जो कुल बल ये था, इसे बोला गया था कुल लॉरेंट्ज़ फोर्स, कुल बल लगने वाला लॉरेंट्ज़ फोर्स, तो ये टोटल बल होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो किसी आवेश पर लगता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो है वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसे बोलते हैं हम गति फिल्टर, ठीक है बेटा। तो उसको मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत ध्यान से और फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो बच्चों अब बात आती है कि वेग फिल्टर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों वेग फिल्टर अभी एकदम तो नहीं समझ सकते, पहले मैं आपको बताऊंगा। तो वेग फिल्टर का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये तभी लागू होगा जब आवेश की गति, यानी जो आवेश जिस दिशा में गति कर रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये सब एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों सपोज करो विद्युत क्षेत्र के लिए हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक है बेटा। और बात ये करते हैं बच्चों इस पे, यहीं पे हम एक विद्युत क्षेत्र भी लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा एक विद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है बेटा। तो कैप अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सपोज हम एक छोटा सा ऐसे एक होल बना देते हैं जहां से हमारा आवेश निकलेगा, यहां से हमारा निकलेगा आवेश का पुंज, आवेश पुंज, ठीक है बच्चों। अब बात ये आती है बच्चों कि अगर ये आवेश थोड़ी देर के लिए मैं धनात्मक मान लूं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा इसकी दिशा अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, हम समझ चुके। तो बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम अगर हम देखें कि इस आवेश पर बल कैसा लगेगा, तो अगर हम बच्चों अपने एफ के हाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह से ले जाएं उंगली की तरफ, और जो गति की दिशा है वो इस तरफ है, क्योंकि ये गति है बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं ये गति की दिशा है इस तरफ,
तो ये इस तरफ हो सकता है बच्चों, ऐसे करके तो बल आएगा ऊपर की तरफ, तो बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बल को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा बेटा इस तरीके से। अब बात ये करते हैं, अगर वो इस तरीके से खींच रहा है और ये धनावेश है तो हम क्या करें बेटा, हम एक काम करते हैं कैपेसिटर की इस प्लेट को धनात्मक कर देते हैं और इसको ऋणात्मक कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब विद्युत क्षेत्र किस तरफ हो गया बच्चों, विद्युत क्षेत्र अगर आप देखें तो वो इस तरफ होगा, ये होगा बच्चों विद्युत क्षेत्र इस तरफ, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई बेटा। अब विद्युत क्षेत्र क्या करता है बच्चों, जो आवेश होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, धन आवेश, तो विद्युत क्षेत्र इसको अपनी दिशा में लेने का प्रयास करेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर बच्चों हम कुछ ऐसा कर दें, यहाँ पे हम एक ऐसा छोटा सा एक अपार्चर यानी कुछ छोटा सा छेद बना देते हैं, अब बच्चों ये जो गति होगी ये कहीं अपनी तरफ से जाएगा, चूंकि क्षेत्र अपनी तरफ खींचेगा, विद्युत क्षेत्र अपनी तरफ से खींचेगा, तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में वो कितना बल लगाएगा बच्चों, वो लगाएगा बी क्यू वी साइन थीटा। तो बेटा थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हर चीज हमने लंबवत ली है बेटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, गति इस तरीके से है, और जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो इस तरीके से, तो हर चीज एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा 90 है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया एफ बी बराबर बी क्यू वी, इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बल लगाता है बच्चों एफ ई बराबर क्यू इन टू ई, ये हो गया बेटा। अगर बच्चों गौर से हम एक बात देखें, ये दोनों बल इक्वल हो जाएं, तो दोनों बल इक्वल होने का मतलब ये है कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय जो बल है बेटा वो, और जो हमारा विद्युत बल है, विद्युत बल बच्चों ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, ठीक है बेटा। तो अगर ये विपरीत दिशा में है और बच्चों कुछ ऐसा हम कर ले कि जो एफ बी बराबर है वो एफ बी के हो जाए, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो इक्वल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एफ बी प्लस एफ ई बराबर जीरो, दोनों का सम बेटा कैसा हो जाएगा जीरो, अगर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो अब बात ये आती है बच्चों, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा बच्चों, ऐसा करने से ना तो चुंबकीय क्षेत्र उसे खींच पाएगा, ना विद्युत क्षेत्र खींच पाएगा, और ये बिना किसी अपने पास से डेविएट होने बिना, विचलित हुए बिना, डेविएट हुए बिना यहां से निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने यहां पे इसकी वेलोसिटी यानी वेग को फिल्टर कर दिया, सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो बच्चों बात ये आती है कि इससे ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो बच्चों इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों अगर हमें पता है कि एफ ई बराबर एफ बी के हो जाए, ठीक है बेटा, चूंकि आप विपरीत हैं तो उनका सम जीरो होगा, पर इक्वल अमाउंट होने पे क्या होगा, तो बच्चों क्यू ई, चूंकि एफ ई का जो मान है क्यू ई है और एफ बी का मान है क्यू वी बी, तो बच्चों क्यू से क्यू कट जाएगा, अगर हम उस वेलोसिटी देखें तो वो होगी ई अपॉन बी। तो बच्चों एक चीज देखने वाली बात यह है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अपने एक नियत वैल्यू रख दें, तो जो कण इस दोनों के बीच में से गुजरेगा उसकी भी जो वेग होगा नियत होगा बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं दिए गए विद्युत क्षेत्र वे, इसे हम ऐसे लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र वे चुंबकीय क्षेत्र के लिए बच्चों दिए गए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो V का मान होगा, V का मान नियत होगा, नियत। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हम कोई भी विद्युत क्षेत्र V के मान को लेके हम उसकी वेलोसिटी को डिसाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है, जितनी वेलोसिटी हम चाहेंगे कण के पार्टिकल की उतनी वेलोसिटी निकलेगी। तो बच्चों ये बहुत पूछा जाता है, इसे ही बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बच्चों आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे पास बोर्ड का क्वेश्चन है क्या है बच्चों, इसमें बच्चों एक हमें कुंडली दी गई है, कॉयल दी गई है जो सर्कुलर है, वृत्ताकार है, इसकी रेडियस आर है बच्चों। इसमें करंट आप देख सकते हैं विद्युत धारा एक घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इससे ठीक लगा हुआ एक तार है बच्चों, और उस तार में धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा। बात ये आती है बच्चों कि हमें इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस कुंडली की वजह से और इस हम कह सकते हैं तार की वजह से, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं जो हमारी कुंडली है, कुंडली की वजह से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं बच्चों, वो होता है म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर,
ठीक है बच्चों, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, इसे हम बी वन मान लेते हैं। दूसरा बच्चों, एक सीधे तार की वजह से, सीधा तार, सीधे तार जिसे हम कह सकते हैं अनंत, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के सीधे तार। तो बच्चों अनंत लंबाई क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इस तार का जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है ये वाला, तो बच्चों इसका जो डिस्टेंस है, इस तार की लंबाई बहुत कम है, तो ये जो तार की लंबाई हम अनंत कहेंगे। तो बच्चों ये कितना होगा, इसे हम कह सकते हैं बी टू बराबर म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर। ठीक है बेटा, ये सब सेम रहेंगे। अब बच्चों ये जुड़ेंगे कि घटेंगे कैसे पता चलेगा, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा बेटा, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम दोनों दिशा निकालेंगे, सबसे पहले इस धारा की दिशा निकालेंगे। तो बच्चों इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा, अगर हम धारा को ऐसे रखें और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रखें बाहर की तरफ, और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज करना कि विपरीत दिशा में होती है तो भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा। तो दोनों अगर जुड़ जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर। तो बच्चों ये कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन पाई। तो बच्चों बोर्ड में या तो आप इसे यहाँ छोड़ सकते हो, अदरवाइज बोर्ड का जो सॉल्यूशन था वो ये था आई अपॉन आर पाई प्लस 1 अपॉन पाई। तो बच्चों कुल चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से निकाल सकते हैं बेटा हम। और बच्चों इसकी दिशा होगी, वो दिशा क्या होगी, तो हम कहेंगे दिशा होगी बच्चों, दिशा वो होगी केंद्र पर, केंद्र पर बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं, ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, बच्चों हमें एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पेपर के अंदर की तरफ है, मेरे बोर्ड पे तो आपके पेपर के अंदर की तरफ होगा। और बच्चों दो पार्टिकल दिए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गति करते हैं, तो दोनों की दिशा तो बच्चों एक ही है गति की, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों हमें दोनों के कणों का पथ बताना है किस प्रकार का होगा, उनकी त्रिज्या का रेशो यानी उनका अनुपात भी बताना है। तो बच्चों सबसे पहली बात ये आती है कि जो प्रोटॉन है बेटा वो कैसे गति करता है, तो प्रोटॉन एक धनात्मक कण है। तो बच्चों इस पे अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो कैसे लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, गति इस तरीके से, बल ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये जो गति करेगा बच्चों, इसका पथ होगा इस प्रकार से, ये ऐसे गति करेगा बेटा, ठीक है। और बच्चों चूंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो इसके लिए ये उल्टी गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये इस प्रकार से जाएगा, ये बात भी समझ में आई। अब बच्चों किसके पथ की त्रिज्या ज्यादा होगी, किसके कम होगी, इस कैसे निकाले, तो बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था एम वी अपॉन क्यू वी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, वी और बी दोनों सेम है, वी भी समान दी है, बी भी समान दी है, तो हम कह सकते हैं बच्चों आर बराबर बेसिकली एम अपॉन क्यू के होगा, या हम कह सकते हैं आर इनवर्सली एम अपॉन क्यू के, ठीक है बच्चों। एक बार बच्चों प्रोटॉन के लिए लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो आर पी लिख देते हैं और कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा एम पी अपॉन क्यू पी। दूसरी बार बच्चों हम किसके लिए लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आर ही लिख देते हैं, के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, एम ई अपॉन क्यू ई, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है बच्चों। बच्चों दोनों का अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, आर ई पी अपॉन आर ई, तो बच्चों कांस्टेंट तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम पी अपॉन क्यू पी अपॉन एम ई अपॉन क्यू ई, ठीक है बेटा। इसमें बच्चों एम पी इंटू क्यू ई ऐसे लिखा जाएगा और क्यू पी इंटू एम ई इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में दोनों चार्ज सेम होता है, तो बच्चों ये तो कट जाएगा। और बच्चों बात ये आती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या आपस में रेशियो होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन का मास बच्चों इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन का, तो ये कट जाएगा बेटा इस प्रकार। तो बच्चों मैं कह सकता हूं आर पी अपॉन आर ई बराबर 1840 और आर पी बराबर 1840 इंटू आर ई। तो बच्चों ये बात तय है कि जो पाथ की जितनी रेडियस प्रोटॉन की होगी उससे कम रेडियस होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कुछ कम होगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको आज का समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।